हर फ्रीक्वेंसी पे थ्रशियल मेजर करने के बाद तीन फ्रीक्वेंसीज का एवरेज निकाल के हम एक वैल्यू पे आते हैं और उस हिसाब से हम डिग्री डिफाइन करते हैं कि वेदर इट इज़ माइल्ड हेयरिंग लॉस मॉडरेट हेयरिंग लॉस सीवियर और प्रोफाउंड सो वी कैन क्लासीफाई हेरिंग इम्पेवेंट इन टर्म्स ऑफ डिग्री ही इज़ ऑल्सो टोल्ड यू अबाउट द टाइप ऑफ हेरिंग लॉस दैट इज हेयरिंग लॉस कंडक्टिव हो सकता है हेयरिंग हेयरिंग लॉस मिक्सड हो सकता है या हेरिंग लॉस सेंसरी न्यूरल हो सकता है कुछ और टर्म्स के बारे में भी सर ने हमें बताया अब तक कि प्रोग्रेसिव हेरिंग लॉस क्या होता है मोनो ऑरल हेयरिंग लॉस क्या होता है बाइन ऑरल हेयरिंग लॉस क्या होता है फ्लक्चुएटिंग हेयरिंग लॉस क्या होता है इसके बारे में भी हमने बात की और हमने बात की अर्ली आइडेंटिफिकेशन के बारे में कि जल्द से जल्द अगर हम हेयरिंग इम्पेवमेंट की पहचान कर लेते हैं तो आगे जाके हम अच्छे रिजल्ट्स पा सकते हैं जल्दी से जल्दी आइडेंटिफाई करेंगे तो जल्दी से जल्दी उसको इंटरवीन करने की भी हम कोशिश करते हैं और आगे रिजल्ट्स हमारे अच्छे आते हैं तो सर ने जैसे क्रिटिकल एज के बारे में बताया कि जीरो टू टू इयर्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बच्चे की लाइफ में इसलिए अगर हम पहचान इस ज़ीरो से दो साल के बीच उम्र से बच्चे के पैदा होने से दो साल के बीच में अगर हम कर लेते हैं तो आगे जाके हमें बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिल सकते हैं और बच्चे की लैंग्वेज और स्पीच बहुत अच्छी बन सकती है और आइडेंटिफाई हम कैसे कर सकते हैं सर ने हमें कुछ ऑब्जेक्टिव टेस्ट्स बताए हमें बताया कि यूनिवर्सल हियरिंग स्क्रीनिंग होती है बाहर के देशों में वो जैसे ही बच्चा पैदा होता है हर बच्चे का एक जांच किया जाता है मशीनों के द्वारा द्वारा सर ने बताया ओटो एमिशन टेस्ट होता है और ऑडिटरी और ब्रेन स्टेम रिस्पॉन्स टेस्ट भी हम करते हैं इंडिया जैसे देशों में जहाँ पे हमारे पास ये फैसिलिटी हर हॉस्पिटल में उपलब्ध नहीं है हम यूज़ कर सकते हैं दूसरे आ, कुछ साइंस सर ने जैसे बताया कि कुछ ऐसी साइंस uh, हमें दिख सकते हैं जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सर ने बताया कि अगर कोई बच्चा पैदा होते ही इंटेंसिव केयर यूनिट में uh, रहता है उसको 48 घंटे के लिए अगर रखते हैं तो उस बच्चे का uh, श्रवण चेक कराना जांच कराना बहुत ज्यादा जरूरी है इसी तरह से और किसी uh, किसी तरह की क्वेश्चन uh, okay, मैं बाद में आपसे डिस्क्राइब uh, करती हूँ पहले क्वेश्चन लेंगे Sir, Yes, I can hear you. Hello. Hello. Okay. Uh, there was a question uh, from Mr. Ramkrishna. We couldn't hear the question. So we were discussing what is been told till now. Okay, and we were discussing about early identification. So sir, ne bataya Uh, किस तरह से अर्ली आइडेंटिफिकेशन हम कर सकते हैं भारत जैसे देशों में कि अगर हमें कुछ ऐसे साइंस या सिम्टम्स मिलते हैं और कुछ हाई रिस्क फैक्टर्स कि बच्चा पैदा होते ही अगर उसके क्रेनियोफेशल uh, एबनॉर्मैलिटी है या किसी और प्रकार का दोष है तो और तो उसका श्रवण जांच कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अब हम बात करने जा रहे हैं मूल्यांकन के बारे में कि अगर किसी व्यक्ति को जांच करते हैं तो किस प्रकार से हम मूल्यांकन कर सकते हैं क्या क्या टेस्ट अवेलेबल हैं हमारे पास Uh, this, sir. Thank you, Sonia. Uh, now let us now understand the hearing evaluation. Generally, uh, hearing evaluation consists of two part. One is objective, the other one is subjective part. As I have already discussed that there are some of the auditory tests which are objective in nature. When we say objective, it means that we don't need a participation from the child. Hearing test can be done even in a Child who is sleeping, so those kind of tests we can do using auditory brainstem response testing, otoacoustic emission testing, which you can see in this figure. Here, a child has been fitted with the electrodes, and uh, hearing is being tested. Okay. This so we have uh, Ram Krishna online again. So we have okay. a question now. Okay. Hello. हेलो हेलो यस मिस्टर रामकृष्ण आई कैन हियर यू हेलो हेलो प्लीज आस्क योर क्वेश्चन आई कैन हियर यू वो तो है ना हियरिंग इम्पेजमेंट में जी बोलिए में एक क्वेश्चन अबाउट हियरिंग ट इज योर क्वेश्चन इधर हमारा ये हीरिंग लॉस में इन क्राउडेड इन क्राउडेड द हीरिंग इज नॉट क्लियर ये इट इज रीज़न ओके

और वहाँ पे सारे लोग ही बात कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा शोर है तो वो शोर से जो जिस चीज़ को आप सुनना चाहते हैं वो मास्क हो गई एक तरह से वो दब गई तो जो आदमी को आप जो आदमी आपसे कुछ बोल रहा है उसकी आवाज़ की जो तीव्रता है और जो शोर में जो आवाज़ है उसकी तीव्रता है वो ज़्यादा है तो इसलिए आप ज़्यादा तीव्र आवाज़ को ही सुन पाएंगे और कम तीव्र आवाज़ को नहीं सुन पाएंगे इसलिए आप शोर में उसकी आवाज़ नहीं सुन सकते एक और कारण है कि अब जैसे मान लीजिए कि आवाज़ ज़्यादा ज़ोर से शोर नहीं है और उसमें अगर आपको दिक्कत हो रही है तो इसमें कहीं ऐसा तो ना हो सकता है कि आपको सुनने में कोई दिक्कत है दो चीज़ें हैं क्योंकि कभी कभी हम जब शोर में रहते हैं और शोर में एक आदमी बात करता है तो उसकी जो आवाज़ होती है बात करने की वो लेवल काफ़ी ऊंची हो जाती है क्योंकि पीछे में शोर ज़्यादा है जैसे अगर आप देखेंगे कि आप ट्रेन में जब ट्रैवल कर रहे हैं तो ट्रेन में एक शोर हो रहा है तो आप लोग वहां पे चिल्ला के बोलते हैं ऊंची आवाज में बोलते हैं तो अगर उस तरह से भी अगर नहीं सुन पा रहे हैं तो हो सकता है कि कान में प्रॉब्लम भी हो सकती है इन दोनों कारण से ही ऐसा हो सकता है शायद आपको उत्तर मिला इस प्रश्न का हम आगे बढ़े आगे तो बेसिकली आप ये कहना चाहते हो क्योंकि शोर की तीव्रता ज्यादा है इस वजह से हम उस व्यक्ति की आवाज नहीं सुन पाते हैं शोर में जो हमसे बात करना hmm. चाह रहा क्योंकि उस व्यक्ति की आवाज की तीव्रता शोर से hmm. कम है आई hmm. होप आपको अपना उत्तर मिल गया है मिस्टर रामकृष्ण हम आगे कंटिन्यू करते हैं लेट अस नाउ कंटिन्यू विद द हियरिंग इवैल्यूएशन नाउ हियरिंग इवैल्यूएशन इज ऑब्जेक्टिव एंड आल्सो सब्जेक्टिव एज आई मेंशनड अर्लियर The objective tests are being done as artery brain stem response testing, which is been shown in this figure. A small child uh, is being fitted with the electrodes and sound is being given, and on this monitor screen, we can able to track his hearing sensitivity. Now, for a very young child, as I shown in the earlier slide, here is also an automated uh, system which has been working. Similarly, you have auto emission, a small probe is put into the ear, and we send some signals and then signals which are being returned back are picked up by the computer and here it is being shown on the monitor there is another system which is known as acoustic admittance or very commonly known as impedance audiometer which has been made in 1970 and till date it has been very widely used in all audiological objective test so humne apko bataya ki kis tarike se कान में का मूल्यांकन ऑब्जेक्टिव तरीके से जिसमें कि बच्चे का पार्टिसिपेशन जरूरी नहीं है इस तरह से हम टेस्ट कर सकते हैं कान की मूल्यांकन एक ऐसी चीज़ है जहां पे बच्चों में अगर बच्चा सो भी रहा है तो हम उसके कान को टेस्ट कर सकते हैं और ऑडिटरी ब्रेन स्टम रिस्पॉन्स टेस्टिंग से और इसके और भी अलग तरीके के चीज़ें आई हैं जो कि इस फ्लाइट में दिखाई गई है ए बोलते हैं उसको उससे हम मूल्यांकन कर सकते हैं तो बच्चा अगर सो भी रहा है सो रहा है तो उसकी हम हीरिंग टेस्ट कर सकते हैं ये जो इंस्ट्रूमेंट दिखाया है इस स्लाइड के अंदर में जिसको इम्पेडेंस ऑडिमीटर या अकोस्टिक एडमिटेंस टेस्ट कहते हैं जो कि 1970 में बनाया गया और आज भी हम इसको हर क्लिनिक में या ऑडियोलॉजी क्लिनिक में इसकी सहायता से हियरिंग टेस्ट करते हैं Let us come to our next slide, which is a different way that Sir, is behavioral I observation. Here. Yes. Uh, just now you talked about three tests objective tests. I would like to ask whether they tell about the degree of hearing loss or they tell the type of hearing loss. What exactly, what exactly do we get after doing these tests? That is a good question you have asked. In audiology, the ultimate goal of testing is to find the thresholds of hearing with the pure tones now, with audiometric, uh, abr testing or otocoustic emissions, we get an indirect uh, testing of sensitivity of the ear. we don't get the threshold. and these thresholds are not for the pure tone, but this is for the click or tone burst, which is equivalent to uh, pure tone threshold, and rehabilitation procedure can start. objective test, which i said, is mostly for the young children where pure tone audiometry is not possible. so therefore, we have to start intervention by knowing the baseline. That baseline can be picked up by either by the tone burst, <coughs> sorry tone burst, or the clicks. For that, we can able to use that. As far as type of hearing loss is concerned, yes, the auditory brainstem response testing can also tell you whether it is the conductive loss or sensory neural hearing loss. Impedance audiometry is basically designed for knowing the conductive hearing loss, but it can be utilized even for knowing the uh, sensory neural hearing loss.

Because it is being done on a wide population, and this reliability really gives us a uh, very powerful tool to start intervention. Like, for example, if you have a very young baby as old as one uh, month, this ABR testing can give us, or there is another test also which is known as ASSR, where we can even have specific frequency wise threshold for the clicks or टोन बस् विच कैन गिवेरीमेट विद इन फाइव टू टेन डी बी सो देरी रिलायल टोल्ड जिस प्रकार से सर ने बताया कि ये जो टेस्ट हमने देखे हैं बहुत ही रिलायबल हैं बच्चों में क्योंकि सब्जेक्टिव टेस्टिंग नहीं की जा सकती है क्योंकि वो खुद नहीं बता सकते हैं कि वो सुन पा रहे हैं या नहीं सुन पा रहे हैं इसलिए ये टेस्ट किए जा सकते हैं और ये बहुत रिलायबल हैं और रिलायबली रिलायबिलिटी सर ने बताया कि इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जब बहुत छोटे बच्चों में जांच की जाती है और उनके थ्रेशुल निकाले जाते हैं और जब वही बच्चे बड़े हो जाते हैं और खुद रिस्पोंड करने लग जाते हैं तो अगर उनका देखें दोनों टेस्ट मिला के देखें तो बहुत ही कम अंतर देखा जाता है तो बहुत रिलायबल टेस्ट हैं ये तीनों थैंक यू सर Let us now go to a test where we will not have these sophisticated instrument. Now these tests are known as behavioral observation audiometry. Now behavioral observation audiometry is a way of knowing the response of child to the different sounds. Very young baby, say below six months of age, if you give a loud sound, then they will be uh, closing their eyelids. That is known as APR, that stands for oro palpebral reflex if you give a sound loud sound to the young baby there will be a kind of body movement which is as equivalent as a small jump that is known as startle reflex a grown up children say uh, around 6 month age to uh, 2 years we can give sounds and see whether child is able to look towards that sound that is known as localization or localization audiometry children above age of 2 we can use some play method for assessing the hearing threshold for pure tones. We can ask the children to point some pictures. We can ask the child to raise their hand when they hear the sound, or we can make a small game like pegging a board, pegboard, where we can able to find out the threshold of hearing. Let us understand this in Hindi now. Behavioural observation response me ham chote bacho me. छः महीने के नीचे बच्चों में अगर जोर से शब्द दें तो बच्चा अपनी आँखों को बंद करता है या बहुत तरीके के रिस्पॉन्स दिखाता है जैसे आंखों का बंद करना जिसको ओरोपैलपेब्रल रिफ्लेक्स कहते हैं या एक छोटा सा जंप की तरह से बॉडी को मूवमेंट करना जिसको हम स्टार्टल रिफ्लेक्स कहते हैं ऐसे रिफ्लेक्सों को देख के उनके लेवल को देख के एक अंदाज कर सकते हैं कि बच्चों में श्रवण क्षमता कितनी है और थोड़े बड़े हो जाए बच्चे छः महीने से लेकर कर दो साल के बच्चों में हम विभिन्न रकम की आवाज़ देते हैं और देखते हैं कि बच्चा उस आवाज़ की तरफ देख सकता है या नहीं जिसको लोकलाइजेशन ऑडिमेट्री कहते हैं और उसके द्वारा एक हम थ्रेशोल्ड नापने की कोशिश करते हैं और इंटरवेंशन के लिए जो बहुत ही ज़रूरी है दो साल के बड़े बच्चों में किसी खेल के माध्यम में या कंडीशन के माध्यम से जैसे उनको हाथ उठाना जब आवाज़ हो तो हाथ उठाए या आवाज हो तो किसी चीज़ को रख दे किसी बॉक्स में रख दे ऐसे खेल के माध्यम से एक थ्रशोल्ड को नापने की हम कोशिश करते हैं जो कि प्ले uh, ऑडिमिट्री कहलाता है अस मूव ऑन टू अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द फील्ड ऑफ ऑडियोलॉजी विच वी ऑल लुक फॉरवर्ड दैट इज़ प्योर टोन ऑडिमिट्री Am, uh, this uh, pure tone audiometry. Now for doing this pure tone audiometry, we need a specialized room which has been shown in this graph, uh, in this slide. This is known as audiometric test room which is a sound treated room and where we have to do the testing, so that outside noise does not interfere. There is a standard procedure for doing the pure tone audiometry that is known as down 10 and up 5 very easy to understand remember the word down 10 that means you have to go by um, uh, intensity should go down by 10 and up 5 means intensity should go by up 5 you start at the level where child is likely to respond and if he is responding uh, bring down the intensity by 10 db and wherever he is responding in, uh, not responding increase the intensity by 5 and track the pure tone threshold for both air conduction as well as bone conduction. Plotting of this audiogram with a symbols, say like red color is always used for right ear and blue color is always used for left ear. You can able to plot an audiogram. Once audiogram is plotted, it is an important part to interpretate or to understand what audiogram is reflecting. is hindi प्योरटोन ऑडिमेट्री एक ऑडियोलॉजी में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो कि एक साउंड टीटेड रूम में किया जाता है इसमें एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जिसको डाउन टेन अप फाइव कहते हैं इसको व्यवहार लाते हैं इसको समझने की कोशिश करें बहुत आसान है आप बच्चे में इस तरह का या बड़ों व्यक्ति में उस लेवल की साउंड को दें जो कि वो सुन सकता है और जब वो सुनता है तो आप आवाज़ की तीव्रता को दस डीबी से कम करें और जब नहीं सुन पाएगा तब आवाज़ की तीव्रता को 5 डिबी से ऊपर करें और इससे थ्रशोल्ड ऑफ हियरिंग को ट्रैक किया जा सकता है थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग एयर कंडक्शन का और बोन कंडक्शन का दोनों को ट्रैक करके उसको ऑडियोग्राम के ऊपर प्लॉट करते हैं लाल रंग के निशान दाएं कान को चिन्हित करता है और ब्लू नीले रंग का निशान बाएं कान को चिन्हित करता है एक बार जब आपने ऑडियोग्राम प्लॉट कर दिया तो इसका अब मुख्य काम है कि उस ऑडियोग्राम को समझना जिसको ऑडियोग्राम इंटरप्रिटेशन कहते हैं जैसा कि मैंने आपको अगले स्लाइड में दिखा रहा हूँ सर ये जो हम प्लॉट करते हैं और ये जो हम जांच करते हैं किसी भी फ्रीक्वेंसी से हम शुरू कर सकते हैं या कोई स्पेसिफिक इसका भी कोई रूल है कि यू हैव टू स्टार्ट एट दिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी हाँ जरूर इसका एक बहुत स्टैंडर्ड uh, प्रोसीजर है कि बड़ों लोगों में या बच्चों में आप शुरुआत करें बड़े बच्चों में या बड़े लोगों में शुरुआत करें एक हजार एक हजार हर्ट से वन थाउजेंड हर्ट से आप शुरुआत करें एयर कंडक्शन में और फिर उसको आप दो हजार हर्ट्स में जाएं फिर चार हजार हर्ट्स में जाएं और फिर आठ हजार में जाएं और आठ हजार टेस्ट करने के बाद में वापस आप एक हजार हर्ड्स में री टेस्ट कर लें और उसके बाद पाँच सौ हर्ड्स में टेस्ट करें और उसके बाद अढ़ाई सौ हर्ड्स में टेस्ट करें तो ये आपका एक कान कम्प्लीट हुआ और अब ये कंप्लीट होने के बाद दूसरा कान 1000 से ना शुरू करें उसको 250 से शुरू करें 250, 500 पाँच 1000 हर्ड्स 2000 हज़ार हड्स और 8000 हज़ार में ख़त्म कर दें तो ये प्रोसीजर है अधिकतर बच्चे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो करते हैं कि 1000 से शुरू करते हैं दाया कान कंप्लीट किया और बाएं कान में फिर से एक से शुरू करते हैं इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि पहली शुरुआत जो करते हैं हम वो एक ट्रेनिंग की थी वो ट्रेनिंग अब एक कान में सफिशेंट ट्रेनिंग मिल गई उसको और वो इंस्ट्रक्शन को समझ रहा है इसीलिए अब शुरुआत ढाई सौ से दूसरे कान में हम कर सकते हैं ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है हम एक हजार हर्ट्स क्यों लेते हैं ट्रेनिंग के लिए सर एक हजार की कुछ इम्पोर्टेंस है यहाँ पर एक हजार हर्ट्स से जो हम शुरुआत करते हैं रिसर्च से पता लगा कि एक का हर्ड्स के थ्रेसोल्ड ज्यादा रिलायबल हैं और ट्रेनिंग के लिए ये मिड फ्रीक्वेंसीज है तो जैसे अगर किसी में कि लो फ्रीक्वेंसी हियरिंग लॉस हो या हाई फ्रीक्वेंसी हियरिंग लॉस है तो ये मिड फ्रीक्वेंसी एक आता है इसलिए ये ज़्यादा रिलायबल होते हैं इसीलिए हम इसको 1000 थाउजेंड से शुरुआत करते हैं लेकिन अगर हम जैसे कोई छोटा बच्चा है और हमें मालूम है कि इसको शायद सीवियर या प्रोफाउंड डिग्री हियरिंग लॉस होगा तो उस बच्चों में हम लो फ्रिक्वेंसी से भी शुरुआत कर सकते हैं ये इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा हम आगे चलें और इंटेंसिटी के लिए भी कोई रूल है कि किस लेवल से हमें शुरू करना चाहिए बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने क्योंकि जब हमने प्रोसीजर को ही बोला है कि डाउन टेन इसका मतलब ही है आप उस लेवल से शुरू करें जहां पे वो सुनने की संभावना ज्यादा है जैसे अगर आपको लगता है कि किसी व्यक्ति में मॉडरेट हीरिंग लॉस है तो आप उसको 70 डीबी से शुरुआत करें जो कि वो सुन पाएगा या सत्तर या पचहत्तर से शुरुआत करें तो प्रोसेस ही कहता है आपको उस लेवल से शुरुआत करें जहाँ पर उसकी सुनने की संभावना हो इसीलिए हम इसको प्रोसेस को डाउन टेन कहते हैं कि पहला रिस्पांस हमें सुनने का आना चाहिए इसी के लिए आगे बढ़े हम कि इंटरप्रिटेशन ऑफ ऑडियोग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ In this uh, slide, this slide is for the sensory neural hearing loss. Now, once we have plotted the threshold, let us see what sensory neural hearing loss will tell us. In sensory neural hearing loss, the bone conduction thresholds are abnormal. I am sure all of you will understand why, because we have already mentioned that in sensory hearing loss, inner ear is affected. So. The bone conduction directly is going to the inner ear. So, thresholds of bone conduction are abnormal and air conductions are also abnormal. The air bone gap, which you can see in this audiogram, this air bone gap, this is a bone conduction threshold, this is your air conduction threshold, this is for right ear. This air bone gap is less than 10 dB. That is where we say the bone air bone gap is absent. Now, here I would like to bring here is also a bone conduction threshold which is a no response here so whenever there is a bone conduction no response so we will assume that bone conduction th gap is absent and once you have air conduction threshold abnormal bone conduction abnormal and air bone gap absent we will say the person has sensorineural hearing loss most of the sensorineural hearing loss are sloping audiogram that means low frequencies have better hearing and high frequencies are affected that tells you about the sensory neural hearing loss so let us sum summarize for the sensory neural hearing loss bone conduction thresholds will be abnormal air conduction thresholds will be abnormal and air bone gap that is difference between air, uh, air conduction threshold and bone conduction threshold will be less than 10 that will indicate the person has sensory neural hearing loss that means the defect is likely in the inner ear that will tell us about the sensory hearing loss sensory neural hearing loss are mostly more in high frequency, less in the low frequency. that's why you get a sloping hearing loss. but there are losses which are also flat. that means all frequencies are affected. is there any case where you get, uh, i mean, it is not sloping or it is the other way around. low frequencies are more affected compared to the high frequencies in sensory neural hearing loss. Uh, as a general, as a rule, in uh, sensory neural hearing loss, usually high frequencies are affected but there is one condition that is known as menieres disease which i have explained you earlier in menieres disease the problem gets more in the low frequency rather than in the high frequency so you will have a rising kind of audiogram in the menieres disease but these are very less compared to all the sensorineural hearing loss cases in many of the cases you can also have flat hearing loss but low frequency hearing loss is more seen only in the uh, some of the sensorineural hearing loss for an example Meniere's disease. So we'll go uh, forward. Yes. Okay. Uh, now let us go to the other uh, configuration, which is the conductive hearing <coughs> loss. Let us understand this. In conductive hearing loss, the pathology is in the middle ear or in the external ear. Therefore, when you do the bone conduction testing, the sound is going to the cochlea directly, bypassing the external ear or middle ear. Therefore bone conductions are normal, which has been shown in this graph. The bone conduction are normal that is within 25 dB H L. Now, air conduction threshold is affected. Now, as you have said in the bone uh, conductive hearing loss, most of the conductive hearing loss there will be uh, more loss in the low frequencies and high frequencies there will be less loss. So, here we can say bone conduction thresholds will be normal in conductive hearing loss. Air conduction thresholds will be abnormal and air go bone gap will be present. When we say present, that means difference is more than 10 or we can say 15 dB because only we test hearing in 5 dB steps. And the important feature of conductive hearing loss will be that more loss will be seen in the low frequencies that is known as rising hearing loss. So, this uh, ko Hindi. कंडक्टिव हियरिंग लॉस और चालित श्रवण दोष में बोन कंडक्शन थ्रेशोल्ड नॉर्मल होंगे सामान्य होंगे क्योंकि बोन कंडक्शन थ्रेशोल्ड डायरेक्टली इनर ईयर में जा रहे हैं और कंडक्टिव हियरिंग लॉस में इनर ईयर का दोष नहीं है जैसे हमने आगे समझा कंडक्टिव हियरिंग लॉस में सिर्फ बाहरे कान में या मध्य कान में ही तकलीफ होती है इसीलिए बोन कंडक्शन थ्रेशोल्ड नॉर्मल होते हैं एयर कंडक्शन थ्रेशोल्ड अब नॉर्मल क्योंकि उसका हियरिंग इंपेयरमेंट है क्योंकि मिडिल ईयर में या एक्सटर्नल ईयर में कोई बाधा है इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट है कि एयरबोन गैप जो है ये एबसेंट है सॉरी uh, प्रेजेंट है एयरबोन गैप प्रेजेंट का मतलब है जो ए बी गैप में 10 से या 15 से डी बी से ज़्यादा डिफरेंस uh, है लो फ्रीक्वेंसी लॉस कंडक्टिव लॉस में ज़्यादा होता है कंपेयर टू हाई फ्रीक्वेंसी लॉस तो दोनों में अगर हम अंतर देखें कंडक्टिव और सेंसरी में तो दो अंतर हैं नंबर एक सेंसरी में बोन कंडक्शन थ्रेशोल्ड भी खराब है कंडक्शन कंडक्टिव हियरिंग लॉस में बोन कंडक्शन थ्रेशोल्ड सामान्य है दूसरा अंतर अगर हम देखें तो सेंसी न्यूरल हीरिंग लॉस में एयरबोन गैप नहीं है और कंडक्टिव हीरिंग लॉस में एयरबोन गैप है अगर तीसरा इंडिकेशन अगर हम देखें अगर कभी हम ये जो हमने सब अभी प्योटोन ऑडिमेट्री ही कर रहे हैं तो कंडक्टिव हीरिंग लॉस में लो फ्रिक्वेंसीज में ज़्यादा हीरिंग लॉस होती है जबकि सेंसी न्यूरल हीरिंग लॉस में साधारणतः हाई फ्रीक्वेंसी पे लॉस ज़्यादा होता है आगे बढ़ें Uh, let us now go to third type of hearing loss which is a mixture of conductive and sensory hearing loss known as mixed hearing loss now in mixed hearing loss as you see in this audiogram the air conduction uh, bone conduction thresholds are also abnormal remember this in conductive hearing loss bone conduction were uh, normal in sensory neural hearing loss this was abnormal in mixed hearing loss it is again abnormal why because mixed hearing loss also have sensory neural hearing loss therefore bone conduction are abnormal now air conduction is also abnormal in this uh, mixed hearing loss and the air bone gap is present this is the identified uh, characteristic in the mixed hearing loss so in low frequency you have a air bone gap present whereas the bone conduction thresholds are also abnormal and the air conduction thresholds are also abnormal that will be indicative of mixed hearing loss mixed hearing loss as already i have said that it is a mixture of conductive and sensory so one can have conductive hearing loss later on set as sensory neural hearing loss for example autosclerosis which i have mentioned if autosclerosis is untreated and it goes for many years. Then the pr problem can pass on to inner ear, and that will result in mixed hearing loss. Also, in mixed hearing loss, the problem can be sensorineural hearing loss, as we have told about the children with profound SN hearing loss can have, and later they can develop middle ear pathology that also results in a mixed hearing loss. So this can happen either way. So it can have sensorineural hearing loss leading to conductive, which will be called as mixed, or

आ, असामान्य है इम्पॉर्टेंट फीचर जो हुआ इसमें एयरबोन गैप प्रेजेंट है और इसी एयरबोन गैप के प्रेजेंट से हमें पता लगा कि ये मिश्रित लॉस है लोगों में कंडक्टिव लॉस शुरुआत हुई और बाद में सेंसिन्यूरल हीरिंग लॉस होकर भी मिक्सड हीरिंग लॉस हो सकता है या सेंसिन्यूरल हीरिंग लॉस होने के बाद कोई कंडक्टिव कारण से कंडक्टिव लॉस हुआ तो भी वो मिश्रित लॉस हो सकता है तो या तो मिश्रित लॉस पहले कंडक्टिव लॉस से शुरुआत हुआ और सेंसरी न्यूरल लॉस होने से मिश्रित हो गया या सेंसरी न्यूरल हीरिंग लॉस से शुरुआत हुई और कंडक्टिव लॉस होकर मिश्रित हुआ बहुत रेयरली बहुत रेयरली दोनों लॉस एक ही साथ शुरू हुए जैसे कभी एक्सीडेंट हुआ जिसमें कि आपका मिडल ईयर भी रप्चर हुआ और इनर ईयर भी रप्चर हुआ ऐसे में मिश्रित लॉस हो सकता है सर जैसे आपने पहले बताया था कि कंडक्टिव हियरिंग लॉस इज रिवर्सिबल वेयर एज सेंसरी बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने जैसे कंडक्टिव कंपोनेंट एज एज सेंसरी पर्सन हैज मिक्स्ड हियरिंग लॉस इफ कंडक्टिव कंपोनेंट कैन बी मेडिकली और सर्जिकली ट्रीटेड बट सेंसरी न्यूर लॉस विल रिमेन So, there could be a possibility that a person has a mixed hearing loss, and then when he goes for a treatment for conductive, the conductive component is taken care of. So, there is an improvement in hearing that is the important part. So, otherwise, also, like a, for example, if a person has severe sensi hearing loss and then it is added with the conductive component then he will have problem in suppose he is using hearing aid he will not able to use hearing aid say like there is a discharge in the ear so he can't use hearing aid so that needs treatment and after treatment not only his hearing improves but it also he is able to use hearing aid so that is very important to remember for all of us when we are dealing with such cases. So the impact of hearing impairment will reduce in mixed hearing loss if the conductive component is taken care of. Definitely, definitely that is the aim once we have a mixed hearing loss, and we know that conductive component can be medically or surgically taken care of, then it the impact of the hearing impairment will be reduced, and the other intervention process can be set up. Like for example, a person who has a uh, uh, ear discharge as well as so now once a tympanoplasty has been done, he can able to use the air conduction hearing aids. So that is important point here.

इसका इम्पैक्ट कम किया जा सकता है इसका असर कम किया जा सकता है अगर कंडक्टिव कॉम्पोनेंट को मेडिकली या सर्जिकली हम ट्रीट कर लें या दैट्स थैंक यू नाउ वी मूव ऑन टू द लास्ट टॉपिक ऑफ माय लेक्चर टुडे दैट इज ऑन द प्रिवेंशन ऑफ हियरिंग एम्पेयरमेंट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑडोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम ऑल ऑफ अस अर्स वी आर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड दैट वी कैन एबल टू प्रिवेंट सर्टन अमाउंट ऑफ हेयरिंग एम्पेयरमेंट there are three stages of uh, prevention let us go for the first stage that is primary prevention if you go through once again the different causes of hearing loss which i have presented you will realize that most of the causes are preventable in nature like for example the drug uh, use so if you take overdoses of drug if you take drugs without doctor's prescription it is likely to cause hearing loss so if you take doctor's prescription Possibly you will not have drug-induced hearing loss. If you maintain a good health hygiene around you, uh, if you take care of your health, then most of the virus infection can also be controlled, as we have already discussed. That if you have an attitude of having less noise around you, so noise exposure will be less, and the one of the causative factors that is noise-induced hearing loss can also be controlled so almost 50% of the causes are preventable in nature therefore prevention of hearing impaired yes can be done there are causes like mumps measles rubella all which can be treated with the immunization so immunization is an important part where we can able to prevent the hearing impairment so the pregnant mother and the child should all be immunized for all the diseases which can also lead to hearing impairment. so once the child is immunized, those hearing impairment cause can be prevented. so that is very important here. the mother and child care will also prevent uh, many of the causative uh, factors which can lead to hearing impairment. so if a child, who, uh, the mother who is going to have the child goes in the uh, medical care and all the medical tests being done regularly, the likelihood that you will have a normal baby so that is also very important for this now having the health hygiene around you that keeping your uh, environment clean and uh, safe drinking water will also reduce or prevent many of the causative factor for the uh, hearing impairment so primarily we can

जैसे इन्फेक्शंस का होना या वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस का होना ऐसे टीकाकरण पद्धति है जो कि हमें डिजीज़ से छुटकारा देती है तो उन टीकाकरण से काफ़ी हीरिंग इम्पेयरमेंट को कमाया जा सकता है गर्भावस्था के समय जो टीका लगाना चाहिए वो लगाएं और बच्चों में जो टीके लगते हैं जैसे मम्स के मीजल्स के रूपा के ये सब टीके लगाने से ऐसे दो रो रोग ना होंगे जिसके चलते हमें कान में कोई प्रॉब्लम आ सकता है अगर हम अपने वातावरण में अगर आसपास की जगह को साफ सुथरा रखें प्रेग्नेंसी अवस्था में अच्छा खाना खिलाएं माँ को या अच्छी तरह से रखें तो सामान्य या नॉर्मल बेबी होने की संभावना ज़्यादा रहती है तो इस तरह से हम प्रिवेंशन प्राइमरी लेवल पर प्रिवेंशन कर सकते हैं जहाँ पे जो कि जो रोग या जिस तरीके से जो रोग से हीरिंग लॉस हो सकता है उनको हम कम कर सकते हैं और ऐसे बहुत सारे रोग हैं जिनको हम प्राइमरी अवस्था में ही

We can able to prevent hearing impairment, like no miss of immunization. So whatever may be, that you must take your child or the pregnant mother for immunization. No excuse for that. And this has been widely advertised in country. And immunization program is a one of the very successful program within the country. Most uh, common uh, problem which we see mostly in rural, also in urban India, that people have habit of putting oil in the ear. So, this slide says no oil in ear. Ear is not a kind of a machine where you need to oil it regularly. Nature has made ear in a such a manner that it gets self clean, that the skin from the external meatus moves out. So, it also brings the debris or the wax which can come out. So, there is no need for cleaning much till you have pain in the ear or you need a hearing test. The next point says no self cleaning of the ear don't try to clean your ears uh, on your own because you can't see your ear and practically you can damage your ear people have a habit of taking whatever is there in hand and putting into the ear a simple rule says it is there in the books also don't put anything in your ear which is less than the size of your elbow ear structures are at the level of head and ear uh, uh, head so we must save our that particular portion of the uh, body so there should not be any injury at head or in the ear noise pollution which have already been discussed that noise pollution can able to hold lot of the causative factor for the hearing impaired so certain amount of change in the lifestyle a perception towards uh, less noise is good uh, perception towards oil is not going to help you for putting into the ear it only uh, gives more problem will able to Prevent certain causes of hearing impairment. So it's a natural. It's very natural that people put earbuds or uh, you know some pins or something in the ear, matchstick. So uh, does that also affect hearing? Yeah, definitely. Say like sometime you pick up a pin or a matchbox, match uh, matchstick or whatever. It may be infected. Now that infection can pass on to your ear. It may be very sharp in nature, so it can uh, damage your the uh, skin also. So it can lead to infection and most of the uh, important part is like oil and other things are not going to help you like a very simple thing is if you do it in a small experiment at your home also you put a, a, a um, layer of oil on a surface and then you come back after 5 days you will see lot of dust on that so if you put ear, uh, oil in your ear it attracts more dust only it is not going to help you so that is why it is important that is what i just mentioned a rule that do not put anything in your ear, which is less than the size of your elbow. And what about cleaning with the ear bud? Ear buds are actually supposed to be cleaning the auricle part of the ear, not into the this external automators. So, once you put Johnson birds or these birds into the ear, it only pushes the dust or the wax towards the tympanic membrane, so that will be further damaging your ears, so that is very important one. खुद हमें कान में कुछ नहीं डालना चाहिए और कुछ भी ऐसा नहीं डालना चाहिए जो हमारी कोहनी के साइज से कम हो कोई भी कोहनी के साइज़ की वस्तु हम डाल सकते हैं इन अदर सेंस यू कैन से कि कुछ भी हमें कान नहीं में नहीं, डाल। नहीं डालना है तेल तेल की बात कर रहे थे जो कि बहुत कॉमन देखा जाता है इंडिया में कि कुछ कान बहन बहता हो या कान में दर्द हो तो मदर्स जो हैं वो कान में तेल डाल देती हैं लेकिन ये भी बिल्कुल गलत है सर ने बताया कि हमें कान में कुछ भी नहीं डालना चाहिए तेल भी नहीं डालना चाहिए बिकॉज तेल अभी सर ने एग्जाम्पल दी जैसे कि तेल डस्ट को अट्रैक्ट करता है अगर एक कटोरी में हम तेल रख के छोड़ देते हैं वो इवेपोरेट नहीं होता और अगले दिन अगर आके देखते हैं तो उसमें डस्ट होती है सिमिलरली अगर कान में हम तेल डाल देते हैं तो वो भी डस्ट को अट्रैक्ट करता है इन्फेक्शन होने के चांसेस उसमें बढ़ जाते हैं और भी सर ने बहुत सारे ऐसे हमें लाइफ अपनाने की

prevention now as we have already discussed that hearing impairment can be early identified age is no bar so once you identify the loss hearing loss at the early age then intervention can reduce or even eliminate the impact of uh, uh, impact of hearing impairment for example there are uh, examples where uh, children have been identified early and they have been fitted with good hearing aid underwent speech language therapy special education and today they are working in it industries so these are the uh, very important point of early identification and actually it has prevented the impact of hearing impairment to become more so it has been almost eliminated so that is the secondary intervention for tertiary intervention in a case like a child has a hearing loss and has intervention but could not develop more of the educational uh, this one we can give him uh, a vocational training so that he can also be a contributive citizen of country so there are different vocations which can be given to these children and there is no way that we have to use only the traditional just like i said that these children can be trained on computers the multimedia software where they can able to help and they can even Help others also in this field. So that way we can provide the tertiary level of prevention also for children with a uh, person with hearing impairment. Let us understand this in Hindi. दो primary intervention जो हमने आपको बताए, उसके बाद एक uh, secondary level पर intervention है, जिन बच्चों में hearing loss हो गया, अगर हम उनकी शीघ्र पहचान करते हैं और उनको hearing aid या स्वर यंत्र लगाके उनको श्रवण प्रशिक्षण करके भाषा और वाणी का विकास करके उनको हायर एजुकेशन दे सकते हैं और हायर एजुकेशन देने के बाद में हम उनको अच्छी तरह के वोकेशनल ट्रेनिंग करने से उनको जो हियरिंग लॉस का इम्पैक्ट है वो कम कर दिया जा सकता है और उससे ये भी एक प्रकार का प्रिवेंशन हुआ लेटस मूव ऑन टू सम ऑफ द नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन Very recently, the Ministry of Welfare, Government of India, the uh, Ministry of uh, Family Welfare, uh, Government of India, Health and Family Welfare, has started the national program on control of uh, deafness and prevention of hearing impairment. I this would is like to add, yeah? sir, this is in collaboration with the Rehabilitation Co Council of India. This national program has been run. That is good. That is correct. So this program has been now taken up in the nine states and two union territories, where they are going to the. Uh, have awareness, build up the capacity of the district levels, hospitals, primary health centers, community health centers, and create a lot of awareness. Uh, almost the goal is uh, reducing the 25 percent of the burden of this uh, hearing impairment, uh, and soon it is also likely to be taken up in the different part of the country. So, it is the first time when a national program for control of deafness has been taken. and that gives us a lot of opportunity to also professionals to work out at different levels and see that we can able to reduce the incidence of hearing loss in the uh, coming years. put this in Hindi राष्ट्रीय लेवल पर भी रोकथाम, prevention के रोक, uh, hearing impairment की रोकथाम के लिए ऐसे प्रोग्राम बनाए गए हैं जो भारत सरकार के द्वारा अभी recent में लिया गया है जो नौ स्टेट में और दो यूनियन टेरेटरी में शुरुआत हुई जिसमें अवेयरनेस क्रिएट करके कैपेसिटी बिल्ड करके प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स का कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स का डिस्ट्रिक्ट लेवल पर चेष्टा की जाएगी कि जिसमें कि कम से कम 25 प्रतिशत बर्डन इसका रिड्यूस किया जाए और इस तरह का एक नेशनल प्रोग्राम लिया गया है इट ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड अवेयरनेस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन दी प्रिवेंशन ऑफ हियरिंग डिसेबिलिटी Aliyavajang National Institute for Hearing Handicap has already set up the disability helpline in Maharashtra and Delhi and Patna. There are some of the numbers which are there. These are interactive voice uh, system where all the information regarding the disability, including hearing disabilities, are available. There are websites of various national institutes, various organizations, which provides lot of material for awareness. And awareness is very important for. मेकिंग द प्रिवेंशन ऑफ हियरिंग एम्पेयरमेंट इसी तरीके से बहुत सारे वेबसाइट हैं और राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्था मुंबई में डिसेबिलिटी हेल्पलाइन रखा गया है जो अभी महाराष्ट्र में और दिल्ली में और पटना में कार्यरत है और शीघ्र ही सारे भारत में आएगा जिसमें हर तरीके की इंफॉर्मेशन हर डिसेबिलिटी की अवेलेबल है एवं श्रवण विकलांगता के बारे में भी जिससे लोग इसको जान सकें और काफ़ी नेशनल इंस्टीट्यूट दूसरे संस्था जिनकी वेबसाइट्स है वेबसाइट के ऊपर में काफ़ी अवेयरनेस के बारे में लिटरेचर है और रोकथाम में जो सहायता दे सकती है और इसी के चलते इनके चलते हम लोग अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी कैन स्टिल कंटिन्यू टू अवेयर पीपल बाय ऑब्जर्विंग सर्टन डेज लाइक इन माय नेक्स्ट स्लाइड विच आई हैव शोन That there is an international week uh, and the day for the person with deaf, uh, deafness, that is in the month of September. That is full uh, week of the September which is to be observed. And if all of us observe on this day, we will highlight the uh, situation. An international day for person with disability, healthy uh, speech and hearing week, which is done by Indian Speech and Hearing Association. And most important is each one of us should able to contribute. बाई राइटिंग इन दी न्यूज़ पेपर पुटिंग सम प्रोग्राम्स वेयर वी कैन क्रिएट अवेयरनेस इसी को हिंदी में जाने अवेयरनेस के लिए हम राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाना चाहिए और बधिर बच्चों के लिए जो सेप्टेम्बर मास में एक हफ्ता और इंटरनेशनल डे है उसको मनाना चाहिए और इंडियन स्पीच एंड हेयरिंग एसोसिएशन भी एक वीक का हेल्दी स्पीच एंड हेयरिंग वीक मनाता है इसको मनाएं और सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम आ, हर एक की हर एक को की कोशिश रहे कि हम क्या किस तरह से कंट्रीब्यूट करें हर छात्र को मैं कहूँगा कि वो अपने लोकल एरिया में कम से कम साल में एक बार या दो बार एक लेख जरूर प्रकाश करें न्यूज़पेपर में या लोकल पत्रिका में जो कि हिरिंग के संबंध में हो जिसमें अवेयरनेस हो इससे रोकथाम में बहुत सहायता मिलेगी और हमारे इस प्रयास में कम्युनिटी में हम उन बच्चों की आशा पर पूरी तरह से खड़े उतरेंगे जिसके लिए हम इस ट्रेनिंग को और ये आर का ये प्रोग्राम आ रहा है और जिसमें हम इस चित्र में जो दिखाया गया है ऐसे बच्चों के चेहरे पे ये मुस्कान देख सकें इसी से के साथ में आप अपना लेक्चर यहाँ ख़त्म करता हूँ और अगर आपको प्रश्न है या कुछ है जरूर फ़ोन करें अगर आप प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं टू सिक्स फाइव डबल वन सिक्स डबल वन पे या फिर टू सिक्स फाइव डबल वन सिक्स वन थ्री पे आप हमें अपना क्वेश्चन फैक्स भी कर सकते हैं हमारा फैक्स नंबर है टू सिक्स फाइव डबल वन सिक्स जीरो नाइन बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन दी है सर ने डिसेबिलिटी हेल्पलाइन के बारे में आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं डिसेबिलिटी के बारे में कोई भी जानकारी अगर आप पाना चाहते हैं तो डिसेबिलिटी लाइन के नंबर्स अभी हमने आपको स्लाइड स्लाइड में दिखाए थे आप उस पर किसी भी डिसेबिलिटी के बारे में और इवन हेयरिंग इम्प्रूवमेंट के बारे में भी जानकारी पा सकते हैं सर आई हैव अ क्वेश्चन कि बहुत सारे स्पेशल एजुकेटर ये प्रोग्राम देख रहे होंगे और हमने बहुत सारी बात की है प्योरटन तो ऑडियोमेट्री के बारे में तो उनके लिए क्या इम्पोर्टेंस है इस प्योरटन तो ऑडियोमेट्री क्या वो टेस्ट करेंगे या इसकी इंटरप्रिटेशन में उनको मदद मिलेगी या स्पेशल एजुकेटर्स का क्या रोल है इस या प्योरटन तो ऑडियोमेट्री किस तरह से उनको मदद कर सकता है स्पेशल एजुकेटर के लिए प्योरटन तो ऑडियोमेट्री तो बहुत ही लाभदायक है इसमें है कि अगर आप एक बधिर बच्चे के साथ काम कर रहे हैं तो उसके किस किस फ्रीक्वेंसी में कितनी उसको सुनाई कम देती है इसकी जानकारी बहुत ही जरूरी है इससे आपको पता लगेगा कि हियरिंग एट के साथ में बच्चा कौन से साउंड को मिस कर सकता है और कौन से साउंड को अच्छी तरह से पिकअप कर सकता है इसी जानकारी के साथ आप अपना लेसन प्लान भी प्लान कर सकते हैं ऑटो ट्रेनिंग में शब्दों को बारे में प्लान कर सकते हैं और उसको आप जो नए कोई स्टोरी सुनाएं या स्टोरी सिखाएं या किसी चीज़ को सुनाएं उसमें ऐसे वर्ड यूज़ कर सकते हैं जो कि उसको अच्छा सुनाई दे तो इस तरह से वो कन्फ्यूग्रेशन को जानकारी उनकी बहुत ज़रूरी है और ऐसे बच्चों की रेगुलर हियरिंग टेस्ट करानी भी ज़रूरी है कि उससे पता लगता है कि कहीं प्रोग्रेसिव हियरिंग लॉस तो नहीं है या हम जो हियरिंग एड यूज़ कर रहे हैं वो ठीक चल रहा है कि नहीं है इसलिए बधिर बच्चों के लिए जो विशेष शिक्षक लोग जो काम करते हैं उनके लिए प्योर ऑडियोमेट्री की महत्व तो बहुत ही ज्यादा है ऑडियोलॉजिस्ट के लिए भी है सबके लिए है और उन बच्चों के लिए ज्यादा है और उनको वो ऐसा एक ऑडियोग्राम अपने क्लासरूम में कक्षा में डिस्प्ले भी कर सकते हैं हेलो मुझे पूछना है कि स्पीड ईयर मोल्ड कैसे बनाते हैं कौन सा ईयर मोल्ड स्पीड ईयर मोल्ड ईयर मोल्ड कैसे बनाते हैं ओके सो द क्वेश्चन इज ईयर मोल्ड कैसे बनाते हैं आशा करते हैं कि शायद ईयर मोल्ड कैसे बनाते हैं इस पर एक विशेष ही कार्यक्रम आरसीआई जरूर करेगा फिर भी ब्रीफ में हम बता देंगे आपको ईयर मोल्ड काफ़ी तरीकों से होते हैं एक हार्ड क्योर मोल्ड होता है एक कोल्ड क्योर मोल्ड होता है और एक कयूवी मटीरियल से भी बनता है ईयर मोल्ड के पहले अच्छे तरीके से इम्प्रेशन ली जाती है और उस इम्प्रेशन को क्योर करके उसका नेगेटिव बनाते हैं और फिर उसमें एक्रेलिक मटीरियल जो हार्ड कोर डालते हैं उसको डाल करके ईयर मोल्ड बनाया जाता है ईयर मोल्ड तो बहुत ही गुरुत्वपूर्ण पार्ट है हीरिंग एड लगाने के लिए और इसके डिटेल किस तरह से बनाया जाए

क्या स्पीच भी हम यूज कर सकते हैं इन, इन टेस्ट में? बिकॉज़ हमने स्पीच की बहुत महत्वता देखी है हम जानना चाहते हैं कि स्पीच एक व्यक्ति सुन सकता है या नहीं सुन सकता है तो स्पीच से भी कुछ किया जा सकता है हाँ बहुत अच्छा आपने पूछा हीरिंग का मूल्यांकन साधारण तीन तरीकों से होता है तीन सिग्नल से होता है प्योरटोन नॉइस और स्पीच जिसको हम स्पीच सिग्नल जब यूज़ करते हैं हियरिंग एड हीरिंग एवेलुएशन करने के लिए तो उसको स्पीच ऑडियोमेट्री कहते हैं और स्पीच ऑडियोमेट्री में एस आर टी स्पीच रिसेप्शन थ्रेशोल्ड और एस डी एस और स्पीच डिस्क्रिमिनेशन स्कोर्स और वर्ड डिस्क्रिमिनेशन स्कोर्स को नापते हैं इससे हमें पूर्ण जानकारी मिलती है कि जो एक व्यक्ति में कितना वो प्योटोन से कम सुन रहा है उसको स्पीच सुनने में किस तरह का कठिनाई आएगी इससे एक जानकारी मिलती है और स्पीच ऑडिमेट्री का एक और बहुत गुरुत्वपूर्ण काम है कि वो आपने जो प्योटोन से जो टेस्ट किया उसको वो कन्फर्म करता है कि वो आपका टेस्ट ठीक है या नहीं तो ये दोनों काम स्पीच ऑडिमेट्री के आते हैं और स्पीच ऑडिमेट्री को यूज़ करते हैं लेकिन स्पीच ऑडिमेट्री करने के लिए आपको कम से कम टू रूम सेटअप का ऑडिमेट्रिक टेस्ट रूम ज़रूरी है तभी आप उसको कर पाएंगे और स्पीच ऑडिमेट्री करने के लिए आपको हर भाषा में टेस्ट होने चाहिए

Uh, definitely not i have not purposefully used this word dumb for a reason the meaning of dumb is not an appropriate to be used all children who are having hearing impairment are not dumb nobody is dumb they all can be trained to communicate communicate when i say both verbally or with the sign language so one cannot be dumb so usually we should not use this word but unfortunately, traditionally the dumb word has been there in the literature and also there in the some part, some schools' names and other things. But uh, dumb word should not be used because it is a negative word, and we are all a positive-minded people who are working for the welfare of the people with hearing impairment. We know they are very potential. The hearing-impaired people are engineers. They are doctors. They are architect, They are uh, maybe they will be. Uh, very important post holders. So, we should not use this word dumb anymore in present scenario. So, will it be? Is it come? Uh, 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 okay, we have a question, then I will ask you one more question, sir. Yes. Hello. 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 Yes. Uh, yes, madam. I have some questions. Yes, please ask. I am looking at AYJ and I have

नो no स को हम ऑडियोग्राम का जब कंफिग्रेशन बनाते हैं तो उसको क्यों नहीं ऐड करते हैं या जो लाइन ड्रॉ करते हैं उसको मिलाते क्यों नहीं है उससे ओके okay. और कोई क्वेश्चन है और और ऑडियोलॉजी में एक शब्द बड़ा ही प्रचलित है इट इज वेरी पॉपुलर इन द फील्ड ऑफ ऑडियोलॉजी वी ऑलवेज यूज वॉर्बल साउंड वॉर्बल दिस वॉर्बल साउंड Warble tone. Okay. Warble. Thank you, much What? Okay. Okay. Thank you, ma'am. Thank you. Yes. We have a question from from Bhuvneshwar. Hello. Yes. Uh, hello. Yes. Myself, Bikeda. G. Uh, speaking from Bhuvneshwar. Okay. जैसे आज एक बच्चा पैदा हुआ है हुँ? तो उसको क्या लगा सकते है, जी, और कोई है आपका हलो? 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 आप कुछ और पूछना चाहते हैं अच्छा और ऐसा और देखा जाता है कि एक आदमी, जी, उसका को लेकर आता है। एक भारी टेस्टिंग करके हैं आता है लेकिन यहाँ पर टेस्टिंग होता है तो दूसरा रिजल्ट निकलता है ओके okay. फिर वो और एक सिकरा जाके फिर जाता है वहाँ पे और कुछ रिजल्ट निकलता है जी तो ये ऐसे क्यों होता है ठीक है ऑडियोलॉजिस्ट लोग तो सब टेस्ट कर रहे हैं आपका क्वेश्चन हम लेते हैं ओके वी हैड टू क्वेश्चंस वी हैव मेनी क्वेश्चंस एक्चुअली एक कॉलर थे हमारे एनआईएचएच मुंबई से पहले हम उनके क्वेश्चन लेते हैं वो कहते हैं कि हमने एयरबोन गैप के बारे में बात की और एयरबोन गैप में हम बात कर रहे थे 10 डीबी की तो इनका पहला प्रश्न ये है कि 10 डीबी ही क्यों और इससे ज्यादा या कम क्यों नहीं हां बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा आ, कि एयरबोन गैप 10 डीबी ही क्यों और ज्यादा क्यों नहीं आइडियली एयरबोन गैप होना नहीं चाहिए इन सेंस कि जब हम बोन कंडक्शन से थ्रेशोल्ड नापते हैं तो वो इनर ईयर में जा रहा है बोन कंडक्शन से जो साउंड दे रहे हैं वो इनर ईयर में जा रहा है और जब हम एयर कंडक्शन से साउंड देते हैं वो भी इनर ईयर में जा रहा है और एक्सटर्नल ईयर और मिडल ईयर के माध्यम से जा रहा है तो दोनों बराबर होने चाहिए दोनों में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए लेकिन हम टेस्ट करते हैं पाँच डी के स्टेप्स पे तो एक सिंपल एरर अगर प्लस माइनस पांच डीबी देखें तो प्लस माइनस अगर आप माइनस पांच और प्लस पांच देखें तो वो दस डीबी होता है इसीलिए इसके गैप के डिफरेंस को हमने दस डीबी ही रखा है मेरे ख्याल से आप मेरी बात को समझे कि जब हम बोन वाइब्रेटर से साउंड दे रहे हैं तो वो इनर ईयर में आ रहा है वो एक थ्रेशोल्ड हुआ और दूसरा थ्रेशोल्ड जो एयर कंडक्शन से कर रहे हैं जो कि एक्सटर्नल ईयर मिडल और इनर ईयर में गया तो उसमें और इसमें फर्क नहीं होना चाहिए लेकिन हम पांच डीबी के स्टेप्स में हीरिंग टेस्ट करते हैं इसलिए प्लस माइनस पांच डीबी का एरर जो दस डीबी होता है इसीलिए ये डीबी का फर्क रखते हैं आ, आशा इन... करते हैं आशा करते आपको उत्तर हुआ आपके प्रश्न का इनका ही दूसरा प्रश्न था हुँ. कि हमने नो रिस्पॉन्स आपने ऑडियोग्राम में दिखाया था और इन्होंने देखा कि नो रिस्पॉन्स को आपने कनेक्ट नहीं किया है किसी लाइन से जबकि रिस्पॉन्स को आपने ज्वाइन किया था बी सी रिस्पॉन्स को आपने डॉटेड लाइन से किया था और ए सी रिस्पॉन्स को आपने हार्ड लाइन से ज्वाइन किया था लेकिन नो no रिस्पॉन्स को ज्वाइन नहीं किया था तो क्या रीज़न है कि नो no okay. को हम नहीं करते आ, बहुत बढ़िया प्रश्न आपका आ, हमने ये ऑडिग्राम पे हमने थ्रेशोल्ड दिखाए थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग को दिखाया गया है और ऑडिग्राम पे थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग ही दिखाई जाती है और थ्रेशोल्ड ऑफ हीरिंग ही कनेक्ट ही की जाती है इसीलिए हमने एयर कंडक्शन को आ, स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट किया और बोन कंडक्शन को डॉटेड लाइन से कनेक्ट किया और जब नो no रिस्पॉन्स है तो नो no रिस्पॉन्स में हमें थ्रेशोल्ड पता नहीं लगा फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपकी ऑडिमीटर की लिमिट है पचास डी बी बोन कंडक्शन पे और बोन कंडक्शन में 50 डीबी देने से भी वो नहीं सुन पाया तो हो सकता है उसकी थ्रेशोल्ड 60 हो हो सकता है 65 फाइव हो और इसीलिए हमें थ्रेशोल्ड मालूम नहीं है और इसीलिए उसको दर्शाया नहीं गया कनेक्ट करने के लिए

तो उस ऑडोमीटर की लिमिट के बाद में जैसे आज के नए ऑडिमीटर आ गए हैं जिसमें हम एटी डीबी लेकिन हमारे पुराने ऑडोमीटर या जो पोर्टेबल ऑडिमीटर है उसमें लिमिट सिर्फ 50 तक ही है और मेन कारण जो है कि ऑडिग्राम के ऊपर हम थ्रेशोल्ड को दर्शाते हैं तो उसमें थ्रेशोल्ड तो हमें पता ही लगा इसीलिए हम उसको नहीं कनेक्ट करते हैं। आ, अली नेशनल इंस्टीट्यूट मुंबई से ही हमारे पास एक और क्वेश्चन था कि वर्बल टोन हम क्यों यूज करते हैं वर्बल टोन हम बच्चों के टेस्ट करने के लिए एक सिग्नल के रूप में यूज करते हैं जो कि फ्रीक्वेंसी मॉडुलेटेड रहता है उसमें है बच्चों का अटेंशन अट्रैक्ट कर आसानी से हो जाता है तो ऐसे बच्चे जो इस तरह की आवाज़ सुन के अचानक ही अटेंशन उनका अट्रैक्ट हो जाता है और वो चाहे उस तरफ ध्यान दे तो ऐसे टेस्टिंग में सुविधा हो जाती है इसलिए वार्बल टोन बच्चों में यूज किया जाता है और कभी कभी किसी बच्चों किसी लोगों में कान के अंदर ही एक आवाज होती है जिसको हमने टीनाइटिस कहा वैसे लोगों को प्योर टोन में डिफरश करना मुश्किल हो जाता है तब वार्बल भुवनेश्वर से हमारे हमारे साथ हमारे पास एक क्वेश्चन है वो पूछना चाहते हैं कि अगर एक बच्चा वन डे ओल्ड है सिर्फ पैदा ही हुआ है एक ही दिन हुआ है और हम हियरिंग इम्पेयमेंट आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो क्या उसे हम लगा सकते हैं? एड लगाने के लिए रूल कहता है जितनी ही जल्दी आप हियरिंग एड लगा सकते हैं उतने समय में हियरिंग एड फिट किया जा सकता है तो हियरिंग एड लगाने के लिए हमारे पास कोई एज के लिए आप वेट ना करें और जितनी जान जैसे एक दिन का बच्चा है अगर उसको हमने जांच कर लिया और कंफर्म हो गए कि इसको हीरिंग एड की ज़रूरत है तो जब भी वो हीरिंग एड लगाने के लिए तैयार है जैसे कि कान में सब फ्लूड वगैरह है सब ठीक ठाक है कोई प्रॉब्लम और नहीं है तो उसको हीरिंग एड लगा सकते जैसे मैंने कहा कि कान टेस्ट करने के लिए उम्र बाधा नहीं है ठीक उसी तरह से हीरिंग एड लगाने के लिए भी कोई उम्र बाधा नहीं है यहीं से एक क्वेश्चन और था कि इनका जानना ये पूछना चाहते हैं एक व्यक्ति अगर एक जगह पे टेस्ट कराता है उसका रिजल्ट कुछ आता है वही व्यक्ति दूसरी जगह टेस्ट आज टेस्ट कराया और, और फिर जाके अगर कल ही दूसरी जगह टेस्ट कराता है तो अगर आप स्टैंडर्ड प्रोसीजर जो मैंने बताया आपको दो तरीके हैं उसमें जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर और स्टैंडर्ड रूम और पर्सन जो कि क्वालिफाइड है इन तीनों को अगर सही होगा तो ऐसे अंतर आने की उम्मीद बहुत कम है लेकिन अगर कभी अंतर आया तो हो सकता है कि फिजियोलॉजिकल फैक्टर भी इम्पॉर्टेंट होते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आज बच्चे में बच्चे जैसे आज को हल्का बुखार है और उस बुखार में वो टेस्टिंग कराने गया तो हो सकता है कि जिस लेवल पर उसने उस पिछले क्लिनिक में रिस्पॉन्स दिए थे उस लेवल पर आज वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है या बच्चे में कुछ प्रॉब्लम है जैसे भूखा हो या बच्चे को कुछ ऐसी तकलीफ हो गई हो तो उसके बिहेवियर रिस्पॉन्सेज में फर्क आ सकता है और बड़ों में अधिकतर ऐसी आने की उम्मीद कम है जब तक कि वो खुद ही इसको चेंज ना कर रहे हो इसीलिए अदरवाइज अगर स्टैंडर्ड प्रोसीजर यूज करे स्टैंडर्ड इन्वॉर्मेंट यूज करे और क्वालिफाइड पर्सन टेस्ट करे तो ऐसे अंतर आने की उम्मीद कम है you, आपको अपना जवाब मिल गया है हेयर वी हैव कम टू द एंड ऑफ द सेशन मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ सर को सर थैंक यू वेरी मच आपने इतना टाइम निकाला और एक इतने कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स टॉपिक को बहुत ही सिंपल शब्दों में सिंपल वर्ड्स में आपने हमें समझाया है आई होप स्टूडेंट्स जो देख रहे हैं उनको भी काफ़ी नॉलेज इस सेशन से मिली है थैंक यू वेरी मच सर कल का टॉपिक मैं बताना चाहूँगी कल हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू विजुअल इम्पेयरमेंट प्रिवेंशन एंड कॉजेज़ अर्ली आइडेंटिफिकेशन असेसमेंट एंड अर्ली एंड मेडिकल इंटरवेंशन जैसे कि आज हमने हेयरिंग इम्प्रेवमेंट के बारे में बात की कल हम विजुअल इम्प्रेवमेंट के बारे में बात करेंगे तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार